भवाली माता मंदिर। आप तो मेरे पीछे देखो नैनीताल झील, बहुत अच्छा लगा मुझे भैया, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। कैची धाम में देख सकते हो किस प्रकार की भीड़ है। Hey guys, welcome back to my another vlog. मैं सचिन from UK13, रुद्रप्रयाग टू नोनुचो। हाँ जी, मैं वज्रगोक चो। और जैसा कि हम विश्वनाथ डोली रथ यात्रा के साथ चल रहे हैं, और कल रात हम रुके थे सत्यनारायण मंदिर काला ढूंगी हल्द्वानी, तो आज आगे का है रानीखेत और लास्ट स्टे है अल्मोड़ा। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सफ़र कैसा रहेगा, कौन कौन से मंदिर में जाएंगे, क्या स्पेशल रहेगा, रैंडमली क्लिक करने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं कवरेज कर रहा हूँ हर चीज़ को। तो चलो ठीक है, आज के लास्ट तक ब्लॉग में बने रहो, और उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग बेहतर बनेगा और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जैसे भी होंगे। तो चलो ठीक है, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तब तक लाइक का बटन दबा दो। अभी हम मानपुर पश्चिम में है, तो यहाँ पे एक मैडम है, तो मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि डोली के दर्शन आपको कहाँ से मिले, आपने किससे सुना, क्योंकि ये पहाड़ से चली हुई डोली है और अभी हम नैनीताल में है, तो इस डोली की विशेषता आपने किसी से सुनी होगी, क्या सुना आपने लोगों से। नमस्कार, मेरा नाम कल्पना भंडारी है, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, और मुझे भैया से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा एक बाइट दे दीजिए। मैंने कहा ऑफकोर्स, मैं तो पहली बार इस यात्रा में शामिल हुई हूँ, और मैंने सबसे पहले अखबार में देखा था कि इसकी एक मीटिंग हुई है, और मैं दिल्ली लोगों से जुड़ी हुई हूँ पहले से, समाज सेवा करती हूँ तो मुझे सब नॉलेज रहती है। तो मैं जब आई वहाँ पे मीटिंग में, रवि गार्डन में मीटिंग थी, तो वहाँ से मुझे पता लगा था, तो मैं भी अपनी मनोकामना लेके आई हूँ और पहली बार शामिल हुई हूँ। आशा करती हूँ कि प्रभु मेरी इच्छा सुनेंगे और उसे पूरा कुछ करेंगे। तो इस डोली की विशेषता ये है, जो सच्चे मन से कुछ भी मुराद मांगते हो पूरी हो जाती है, इसीलिए 24 साल हो गए इस डोली को, तो आपकी मुराद जरूर पूरी हो गई। सब ठीक रहा तो अगले साल फिर से मिलेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर, और मैं अगली बार प्रसाद चढ़ाऊंगी, क्योंकि जब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं दुगने उत्साह से आऊंगी। जरूर, थैंक यू। आपका नाम राची जोशी। राची जोशी, जब डोली आपका आशीर्वाद दे रही थी कुछ महसूस हुआ, आप रो भी रहे थे, आपके आशीर्वाद अभी भी आ रहे, तो कैसा रहा अनुभव? बढ़िया। तो बोलो जय बाबा विश्वनाथ की जय। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे। अभी समय हो गया है, तो अभी समय हो गया है अकेडमी से जाने का, और मनपुर वेस्ट हल्द्वानी में हम अभी थे, यहाँ से अब जाने का समय हो गया। तो आप देख सकते हो सामने से काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, लगभग 1.5 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं नैनीताल में, मेरे पीछे देख सकते हो, इन पेड़ को देख के आप लगा सकते हो कि हम कहाँ पे होंगे। तो नैनीताल में पहुंच चुके हैं, और पहले हम दर्शन करेंगे नैना देवी के।
तो दोस्तों अभी हमें नैनीताल में हम पहले दर्शन करेंगे माँ नैना देवी के, और वो पीछे आपके मंदिर है और ये पार्किंग स्लॉट है जहाँ पे गाड़ियाँ लगती है, और आप देख सकते हो पीछे गांव दिख रहे हैं जो। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो नैना देवी मंदिर। इस मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, जब सती माता का एक नेत्र इस जगह पे गिरा था नैनीताल में, तो यहाँ पे माँ नैना देवी का मंदिर स्थापित है। तो यहाँ पे माँ नैना देवी का मंदिर स्थापित है, और मेरे पीछे देखो झील जहाँ पे अभी वोटिंग हो रही है। तो मेरे पीछे देखो नैनीताल झील, और भाई जी दूसरी बार आ रहे हैं, छठवीं बार आ रहे हैं लगातार। मुझे पहली बार मतलब नसीब हुआ है देखने को माँ नैना का मंदिर और प्यारी सी झील जहाँ पे वोटिंग चल रही है। आओ गुरुजी, आप भी आ जाओ। तो हमारे नेथानी साहब मेठाड़ी साहब, गुरुजी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आ रहे? नहीं, पहली बार आया हूँ। मैं पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा एक्साइटेड फील हो रहा है। दोनों चीज का है यहाँ पे। यहाँ पे नैना देवी आनंद के लिए भी, भक्ति के लिए भी, भक्ति भी है, वोटिंग करने का मन है लेकिन जा नहीं सकता अभी। आपने बाबा विश्वनाथ जगदीशिला की डोली स्पर्श की, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब कुछ फील हुआ आपको? मैं तो वैसे ही माता की पूजा रही हूं। अच्छा, आपने डोली के दर्शन किए? हाँ किए। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे भैया, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे शिव शक्ति विराजमान है इसमें। मतलब फर्स्ट टाइम आपने डोली? हाँ, फर्स्ट टाइम ही मैं नैना देवी के मंदिर पे आई। तो अगर आपको इस डोली के बारे में जानना है क्या है कैसे, तो उत्तराखंड कलाकार यू के तेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, सारी यात्रा के ब्लॉग उस पे आ रहे हैं, तो जरूर देखना। ठीक है बहुत अच्छा लगा। देखते हो नैना देवी मंदिर में कितनी भीड़ लगी हुई है, और कोई वोटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और हमने भी आज दर्शन कर लिए। बहुत टाइम से मन में था कि एक टाइम जाना है नैनीताल, और बाबा विश्वनाथ के साथ देखो हर उस जगह जा रहा हूँ जहाँ का मैंने सोचा था, जहाँ का नहीं भी सोचा था वहाँ भी दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसी ब्लॉग में बने रहो, आप भी दर्शन करते रहो। तो मैम रिपोर्टर है और न्यूज़ के लिए शायद रिकॉर्डिंग करी थी, तो मैम कैसा रहा आपका फील, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अगर हम रिपोर्टरिंग को हटा के अगर हम वैसे कहें तो माँ के प्रति जो आस्था है वो काफ़ी है, और माँ से हमें सब कुछ मिला है। रिपोर्टरिंग माँ के ही जरिए आज इस कदम पर हम लोग उठे हैं, और माँ से आशीर्वाद यही मांगा है कि माँ हम लोगों को और आगे बढ़ाए और इस तरीके से माँ के दर्शन होते रहे। और मेरा तो पहला ही ऐसा है कि मैं माँ से इस तरीके से माँ की डोली से मैंने आशीर्वाद दिया है। मैंने देखा आप भावुक हो रहे थे। भावुक होते क्योंकि माँ ने जो सब कुछ हमें दिया है और वही माँ हमें सब कुछ देने वाली है, और साक्षात माँ के अगर इस तरीके से हमें दर्शन होते हैं तो उससे बढ़कर कुछ होता है। ओके, थैंक यू। और नैना देवी माता मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुंच गए हैं भवाली मंदिर नैना, और इसके बाद हमें लास्ट कहाँ जाना है? अल्मोड़ा माँ नंदा देवी के मंदिर जाना है, और फिलहाल हम हैं भवाली देवी माता मंदिर। कुमाऊं का कल्चर है ना, सफेटो। वाह गुरुजी वाह। तो ये है भवाली माता मंदिर, आप देख सकते हो किस प्रकार से है, और कहा जाता है कि शहर का नाम भवाली भवानी माता के मंदिर के नाम पे पड़ा। तो आप इसकी छोड़ में बहुत सुंदर लग रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कुमाऊनी कल्चर में हमारा स्वागत किया। तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा आप बता देंगे? तो ये हमारे भवाली का जो है भवाली देवी के नाम से हमारा ये प्रसिद्ध मंदिर है, देवी मंदिर है, और यहाँ पर साक्षात अभी भी शक्ति है। जब नवरात्रि में
जब किसी ऐसे जो अवसर होते हैं उस पर यहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं। और जैसे ही हम मंदिर के कपाट बंद करके घर को जाते हैं तो यहाँ पर अभी भी रात को गेट के दरवाजे पर शेर आता है, मतलब माँ का वाहन आता है। आज भी अच्छा। अभी पिछले साल ही की बात है, उससे पहले की बात है। तो एक हमारे यहाँ पर साक्षात शक्ति है और हम तो आभार प्रकट करते हैं आप सभी लोगों का जो भगवान बाबा जगदीशिला डोली यहाँ पर आई, विश्वनाथ जगदीशिला डोली यहाँ पर आई। हम लोगों को बार बार ये अवसर मिलता है और आगे भी मिलता रहे। और रही बात रंगवाली पिछौड़ी की, ये हमारी कुमाऊँ की हमारा कल्चर है, ये कोई भी शुभ काम में शादी ब्याह में कथा पूजा में मंदिर में इसको पहनते हैं। तो ये एक सुहागिन महिला का अपना एक वो होता है। आपको देख के ना मतलब मेरी दीदी है ना दीपा नेगी, उनकी याद आ रही है, आपके चेहरे पे वही तेज है वही ऊर्जा। अगर दूसरी बार सब सही रहा तो फिर मिलेंगे आपसे। ओके धन्यवाद। ये है आपका कैची धाम नीम तरोली बाबा। किस कदर भीड़ मची हुई है, एक हाथ से बना है। धाम में देख सकते हो किस प्रकार की भीड़ है। यहाँ जा नहीं पाए क्योंकि हमें अल्मोड़ा जाना है और थोड़ा शेड्यूल टाइट है, तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो जरूर जाएंगे। अभी हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा और अब जा रहे हैं हम माता के मंदिर यानी कि माँ नंदा के मंदिर। और ये अभी हमने पलटन थाना क्रॉस किया, हम लाल बाजार आएगा उसके बाद आएगा माँ नंदा का मंदिर। और पीछे देख सकते हो विश्वनाथ की डोली राजे राजे के साथ आ रही है।